गाइस आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को OB43 अपडेट के बारे में बताने वाला हूं कि इस OB अपडेट के अंदर आप लोगों को कौन सा थीम पे इवेंट देखने के लिए मिलेगा, साथ में हमारा नेक्स्ट इवो बंडल किस डिजाइन का होगा, कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है, साथ में OB43 अपडेट कब आएगा। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, सो वीडियो जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। 800 लाइक का एम रखते हैं तो जरूर कंप्लीट कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस हमारा गोल्ड रॉयल फिलर और भी 60 दिन बाकी है, मतलब 60 डेज। तो 60 दिन के बाद गाइस आप लोग हमारा नया पैच अपडेट देखने के लिए मिलेगा। तो OB43 डेट निकल के आ रहे 23 या 24 जनवरी, फिर से डेट सुन लो गाइस, 23 या 24 जनवरी को आप लोगों को हमारा OB43 अपडेट देखने के लिए मिलेगा। अभी ये जो अपडेट है गाइस हमारा 7 एनिवर्सरी स्पेशल होने वाला है। जी हाँ गाइस, इस अपडेट के अंदर आप लोगों को 7 एनिवर्सरी का आइटम का कुछ इवेंट देखने के लिए मिलेगा। अभी क्या कुछ न्यू चीजें हैं चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा देता हूँ। तो इस अपडेट में गाइस आप लोगों को कुछ स्पेशल एनिमेशन वगैरह देखने के लिए मिलेगा, जिनको गाइस आप लोग अगर इक्विप करोगे तो आप लोग कुछ इस टाइप का एनिमेशन मिलने वाला है। अभी कौन सा इमोट या एनिमेशन किस चीज के लिए बनाया गया है और आप लोग को कैसे मिलेगा चलिए वो बता देता हूँ। तो गाइस अभी जो आप लोगों ने एनिमेशन वगैरह देखा है, ये हमारा न्यू पेट का एनिमेशन एंड डिजाइन वगैरह होने वाला है। तो इस पेट का नाम होगा लिटिल फेरी। तो लिटिल फेरी पेट आप लोग को फ्री में दिया जाएगा। तो उस पेट के यहाँ पे स्पेशल एनिमेशन वगैरह रहेगा, जिनको गाइस आप लोग अगर अच्छे से खेलोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कौन सा क्या चीज होने वाला है। तो चलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो इस पेट का कुछ खासियत रहने वाला है जिनमें एनिमेशन के मदद से रहेगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे जो सिग्नल वगैरह देख पा रहे हो, कहीं पे कुछ चीज रहेगा तो ये पेट ऐसे कुछ सिग्नल देगा, तो ये चीज ऐड हो सकता है। साथ में गाइस अगर आप लोग को किसी ने किल कर दिया या आप लोग मर गए तो आपके साथ साथ वो लिटिल फेरी भी मर जाएगा, जैसा देख पा रहे हो एनिमेशन। तो बहुत ही अच्छा डिजाइन किया गया है। और इस लिटिल फेरी को इक्विप करके अगर आप लोग गेम प्ले करते हो, साथ में मेडिकेट करते हो, तो मेडिकेट करने का एनिमेशन कुछ इस टाइप का होगा। ये जो लाइट वाला बॉल है ये आपके बॉडी पे आके समा जाएगा, मतलब एडजस्ट हो जाएगा। देन गाइस यहाँ पे वॉकिंग एनिमेशन रखा गया है, मतलब जब भी आप लोग चलने वाले हो तो चलते चलते ये जो बॉल है आपके चारों ओर ऐसे घूमेगा, तो ऐसे कुछ एनिमेशन डिजाइन किया गया है। साथ में यहाँ पे जंपिंग वाला एनिमेशन है, तो अगर आप लोग किसी ऊपर से नीचे जंप करते तो आपके पीछे एक एंजेलिक का पंख आ जाएगा, जो पिंक या पर्पल कलर का लग रहा है, तो ऐसे टाइप का पंख आ जाएगा। साथ में गाइस यहाँ पे और एक एनिमेशन है, अगर आपके आसपास कहीं पे भी लूट पड़ा होगा तो ये जो एनिमेशन है वहाँ पे ऐसे मार्क हो जाएगा कि इस जगह पे लूट है, जाके वहाँ पे लूट कर लो। देन गाइस यहाँ पे और एक एनिमेशन है, अगर आप लोग नीचे जंप करते वक्त नीचे लैंडिंग करते तो पैर के नीचे यहाँ पे एनिमेशन वगैरह आने वाला है। तो कुल मिलाकर गाइस हमारा लिटिल फेरी थीम पे यहाँ पे कुछ 6 डिजाइन किया गया एनिमेशन को, जो गाइस आप लोग को OB43 अपडेट के बाद देखने के लिए मिलेगा। इनमें से 2-3 एनिमेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, बाकी सब कुछ रहने वाला है। तो कौन कौन इस पेट को फ्री में लेना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना, एंड इस लिटिल फेरी पेट का एनिमेशन आप लोगों को कैसा लगा वो भी जरूर बताना। अभी बढ़ते गए हमारा 7 एनिवर्सरी स्पेशल लेजेंडरी बंडल की तरफ, जो आप लोग को OB43 अपडेट के बाद देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे एनिमेशन के साथ दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला बंडल आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ इस टाइप का होगा, कलर ट्रांसफॉर्मेशन, एक कलर से दूसरे कलर पे चेंज हो रहा है। एंड इसके चेस्ट पे देखो 7 लिखा हुआ है, बंडल तो बहुत ही गजब का लग रहा है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस बंडल के डिजाइन आप लोग देख पा रहे हो, बहुत ही लाइटिंग जैसा इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पे जो लाइट है वो ग्लो कर रहा है, चमक रहा है। तो ऐसा और एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, तो आप लोगों के चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा सही है। तो मुझे तो ये वाला बंडल उतना खास नहीं लगा। एंड इसके हाथ पे देखो एक घड़ी है। देन यहाँ पे गाइस गैलेक्टिक थीम पे और एक डिजाइन को आप लोग देख पा रहे हो, भाई ये वाला बंडल मुझे और भी बहुत ही खतरनाक लगा। तो इसके चेस्ट एंड शोल्डर पे बहुत सारे एनिमेशन देखने के लिए मिल रहा है, एंड इसका हेयर स्टाइल 2 कलर का है। तो इस बंडल को आप लोग कितना रेटिंग देना चाहोगे 10 में से कमेंट करके जरूर बताना, मैं तो भाई इसको 8 दूंगा। एंड इसी के साथ में और एक छपरी बंडल देख पा रहा हूँ, इसका ना तो कुछ डिजाइन है ना तो कुछ बेसिक लुक है, बहुत ही बेकार लुक है। एंड ऐसे ही इसको बना दिया गया है, मुझे तो ये वाला बंडल अच्छा नहीं लगा। इसके बाद गाइस और एक छपरी बंडल देख पा रहे हो, भाई करने वाले क्या सोच के ये डिजाइन सिलेक्ट किया, मुझे वही समझ नहीं आ रहा है। तो इस बंडल को तो हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद गाइस और एक बंडल है, भाई ये बंडल बहुत ही कमाल का लग रहा है, जो बहुत ही फायरी एनिमेशन देखने के मिल रहा है। तो ये वाला बंडल भी थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। कुल मिला के गाइस यही सब कुछ बंडल का डिजाइन यहाँ पे दिया गया है। एंड यहाँ पे और एक बंडल देख पा रहे हो गाइस, जो कलर के साथ साथ अपना पूरा हुलिया चेंज करता है। तो देख पा रहे हो गाइस कलर चेंज होते होते इसका जो मार्क्स है पूरा बॉडी का ड्रेस चेंज हो रहा है,
तो ये वाला बंडल भी मुझे बहुत ही अच्छा एंड यूनिक लगा, तो इस बंडल को भी मैंने सिलेक्ट किया है। तो आप लोग भी देख लो गाइस इस बंडल को कैसा लग रहा है, बहुत ही कमाल का है। एंड इसी के साथ में जो बंडल है आप ये देख पा रहे, ये बंडल भी बहुत ही कमाल का है। तो इस बंडल को भी अगर लाया जाएगा तो भाई बहुत ही अच्छा खासा होगा। कुल मिलाकर गाइस इस सर्वे के अंदर मुझे 3 बंडल बहुत ही अच्छा लगा। जो अभी तो बंडल आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, साथ में शुरू में भाई गैलेक्टिक बंडल टाइप का था। तो यहाँ पे गाइस और एक बंडल है, ये भी थोड़ा ठीक ठाक है, बट एनिमेशन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर गाइस ये सब था हमारा कुछ बंडल का कॉन्सेप्ट। अभी आप लोग कमेंट करके बताना गाइस कौन सा बंडल आप लोगों को सबसे बढ़िया एंड बेस्ट लगा, एंड जो आप लोगों को अच्छा लगेगा उसी के थीम पे यहाँ पे 7 एनिवर्सरी स्पेशल बंडल को लाया जाएगा। भाई मुझे तो भाई बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिला है देखने के लिए। तो गाइस इन सब लेजेंडरी बंडल में से मुझे ये 4 कलर के बंडल बहुत ही पसंद आया, आप लोगों को भी शायद पसंद आया होगा। इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा एंड बढ़िया डिजाइन किया गया है, इनका एनिमेशन भी बहुत ही ओपी लेवल का है। तो इन 4 बंडल में से कोई एक बंडल 7 एनिवर्सरी स्पेशल डिजाइन करेगा तो बहुत ही कमाल का लगेगा। तो आपको कौन सा अच्छा लगेगा कॉमेंट पे जरूर बताना। इसी के साथ में गाइस कुछ डिजाइन में आप लोग को दिखाने वाला हूँ P90 का और लोडिंग स्क्रीन का, तो आप लोग बताना कौन सा कैसा है। तो आप लोग क्या आप एक P90 का स्क्रीन देख पा रहे हो, जो हमारा पीक का मेन घर था उस घर के डिजाइन के शेप पे यहाँ पे एक P90 स्क्रीन को डिजाइन किया गया है। तो वोटिंग के अंदर ये वाला P90 आया, साथ में यहाँ पे फैक्ट्री का लुक का भी एक P90 आया है। इन दोनों में से आप लोगों को कौन सा सही लग रहा है कमेंट पर जरूर बताना, इनमें से कोई एक स्क्रीन आएगा। साथ में यहाँ पे कुछ लोडिंग स्क्रीन वगैरह देख पा रहे हो, जहाँ पे कैली बहुत ही शान से खड़ा हुआ है, एंड यहाँ पे गैलेक्टिक थीम पे और एक लॉबी है जो आप लोग देख पा रहे हो। तो इस टाइप का हमारा लॉबी एनिमेशन किया जाएगा, साथ में 7 एनिवर्सरी का भाई बहुत ही कमाल का फैन पेज है आप लोग देख पा रहे हो। तो इनमें से गाइस आपको कौन सा लोडिंग स्क्रीन सबसे बेहतर और बेहतरीन लग रहा है कमेंट पे जरूर बताना। मुझे तो भाई लास्ट वाला बहुत ही अच्छा लगा जिसपे 7 एनिवर्सरी का लोगो के साथ बंडल है। तो गाइस यही सब था हमारा OB43 अपडेट के रिगार्डिंग कुछ रिव्यू। तो कमेंट करके बताना आप लोगों को ये सब का रिव्यू कैसा लगा, एंड OB43 अपडेट के बाद आप लोगों को ये सब आइटम इन गेम जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो कमेंट पे जरूर बताना, उस हिसाब से ये सब जरूर आएगा। तो आज का वीडियो को लंबा ना करके गाइस यहीं पे खत्म करते, उसके पहले गाइस आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते तो भाई वेट जरूर करना। तो वीडियो को लंबा ना करके खत्म करते, तो चलिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट अपडेट के साथ।